फोन दे दिया है, उस फोन के माध्यम से आपकी खुद की भी ट्रेसिंग होगी, आपके सेंटर की भी ट्रेसिंग होगी, आपके राशन की भी ट्रेसिंग होगी। राशन देना मकसद नहीं है, राशन तो सरकार तो है, अब वो जिसको कहते हैं कि हम जो है डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, बच्चों के खाते में मां बाप के खाते में वो पैसा सीधा का सीधा चला जाएगा, उनको कुछ और काम नहीं है। इसलिए जो है धीरे धीरे करके ऐसे मोड में इसके आईसीडीएस को लेकर आने की वो तैयारी चलिए सरकार की। हमारी मिड डे मील वर्कर जो है पूरे देश के स्तर कर, आप सभी जितनी भी आंगनवाड़ी सेविका सहायिका मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री हैं, ये वीडियो आप सभी के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। वर्तमान की एक बड़ी खबर है जो कि इस वीडियो के माध्यम से प्रॉपर तरीके से आप सभी के बीच में रखेंगे। हाल ही के अंदर आंगनवाड़ियों के द्वारा प्रदर्शन किया गया सरकार के विरोध में अपनी मांगों को लेकर के, हालांकि प्रदर्शन के बाद एक काफ़ी ज़्यादा सकारात्मक कदम देखने को मिला है। फिलहाल एक छोटी सी वीडियो के क्लिप के माध्यम से सारा बयान आपके सामने स्पष्ट करेंगे। आप सभी से एक अनुरोध है, वीडियो को आप पूरा देखें, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है आप इसे तुरंत ही सब्सक्राइब भी कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर। योजना थी मिड डे मील की योजना, हम कह रहे हैं किसको जो है इसका विस्तार करते हुए 12वीं कक्षा तक के बच्चों को इसके दायरे में लेके आया जाए। दो टाइम खाना मिलना चाहिए। कुपोषण की जैसी स्थिति है, बहुत सारे देश के ऐसे हिस्से हैं जहां पर जो है बच्चे उनके मां बाप ये कहते हैं कि छुट्टी वाले दिन भी मिड डे मील बनना चाहिए, क्योंकि एक टाइम खाना जो है कम से कम बेहतर खाना तो मिलता है। और बहुत सारे राज्यों के अंदर सुबह भी दूध, बच्चों को दूध पिलाने का काम भी जो है वो भी सप्लाई होता है। तो इससे जो है बहुत बड़े पैमाने पर ऐसे आप देख सकते हैं बहुत सारे देश के ऐसे हिस्से हैं जो आदिवासी हैं, जिनके पैरों में चप्पल नहीं है, जिनके रोजगार के कोई अवसर नहीं है, जहां बच्चे जो है हम अपने यहां पर मेवात के अंदर देखते हैं, मेवात के अंदर जो स्कूलों में सैकड़ों हजारों बच्चे हैं सरकारी स्कूलों के अंदर, ऐसी स्थिति है। तो उन बच्चों के लिए वो जीवन रेखा है मिड डे मील, लेकिन सरकार जो है उस योजना को प्राइवेट हाथों में देना चाहती है अलग अलग टाइम पे। अभी पीएम पोषण के नाम से 2022 के अंदर सरकार स्कीम लेके आई, पीएम पोषण कर दिया इसका नाम मिड डे मील का, और इसके अंदर वायदे बहुत ज्यादा किए जा रहे हैं कि आप जो है इसके अंदर हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, बजट बढ़ाएंगे। हालत क्या है, केंद्र की सरकार ने अभी तक 1 रुपए की बढ़ोतरी नहीं कर ली।